हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि लाइटरूम ऐप की मदद से कैसे आप ब्राउन एंड सिल्वर टोन फोटो एडिट करें। कुछ इस टाइप से हमारी फोटो एडिट होने वाली है और वीडियो के लास्ट में मैं आपको वन क्लिक में भी फोटो एडिट करना सिखाने वाला हूँ। सो गाइस, बिना किसी देर के इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको अपनी गैलरी में चले आना होगा। जिस भी फोटो को आपको एडिट करना है उसको सिलेक्ट कर लेना होगा। देन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा नीचे साइड शेयर वाला, यू करके भी उस पर टच करिएगा। अब लाइटरूम ऐप में इसको शेयर कर लेना होगा। सो गाइस, जैसे ही आपकी फोटो लाइटरूम ऐप में आ जाती है, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, नीचे साइड एक ऑप्शन मिल जाएगा एडिट्स वाला, यू करके एक बार पे टच करिएगा। अब गाइस, आपको यहाँ पे सिंपली कलर्स वाले टूल्स पे चले आना होगा। जैसे कि आज आप लोग यहाँ पे कलर्स वाले टूल्स पे आते हैं, आपको करना क्या होगा गाइस, इसकी जो टेम्परेचर है इसके अमाउंट को यहाँ पे +19 कर लेना होगा। एंड इसकी टिंट के अमाउंट को गाइस आपको यहाँ पे -14 कर लेना होगा। देन इसकी वाइब्रेंस के अमाउंट को गाइस आपको यहाँ पे +11 कर लेना होगा। और अगर जैसे इतना हो जाता है, आपको ऊपर साइड चले आना होगा, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मिक्स टूल्स का, यू के पेज पे टच करना। देन गाइस, ये भी आपको करना क्या होगा, आपके सामने यहाँ पे ढेर सारे कलर्स निकल के चले आएंगे। इन्हीं कलर्स की मदद से मैं आपको यहाँ पे टोनिंग क्रिएट करना बताने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्किन टोन को एडजस्ट करना होगा। उसके लिए गाइस आपको यहाँ पे सिंपली ऑरेंज कलर पे चले आना होगा। आने के बाद गाइस करना क्या होगा, इसकी जो ह्यू है, ह्यू के अमाउंट को यहाँ पे आपको कर लेना होगा पे -28 कर लेना होगा। एंड इसकी सैचुरेशन के अमाउंट को गाइस यहाँ पे +21 कर लेना होगा। एंड इसकी जो देख सकते हैं गाइस लुमिनेंस है, लुमिनेंस के अमाउंट को गाइस आपको कर लेना होगा पे +19, जिससे कि आपकी जो स्किन है ब्राइट हो जाएगी। देन आपको गाइस यहाँ पे सिंपली येलो कलर पे चले आना होगा। इसकी ह्यू के अमाउंट को -100 कर लेना होगा। एंड इसकी सैचुरेशन के अमाउंट को भी -100 कर लेना होगा। देन गाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे सिंपली ग्रीन कलर पे चले आना होगा। इसकी ह्यू के अमाउंट को गाइस -100 कर लेना होगा। एंड सैचुरेशन के अमाउंट को भी -100 कर लेना होगा। और अगर जैसे इतना हो जाता है, आपको यहाँ पे सिंपली सैन कलर पे चले आना होगा। इसकी सैचुरेशन के अमाउंट को -100 कर लेना होगा। देन यहाँ पे आपको ब्लू कलर पे चले आना होगा। इसकी सैचुरेशन के अमाउंट को भी -100 कर लेना होगा। देन आपको यहाँ पे पर्पल कलर पे आने के बाद इसकी सैचुरेशन के अमाउंट को भी -100 कर लेना होगा। एंड इसकी लुमिनस के अमाउंट को भी -15 कर लेना होगा। देन गाइस, जैसे इतना हो जाता है, आपको यहाँ पे सिंपली इसको कर लेना हो डन। गाइस, अभी आपको अपनी फोटो की लाइट्स को एडजस्ट करना होगा। उसके लिए गाइस आपके यहाँ पे सिंपली लाइट्स वाले टूल्स पे चले आना होगा। जैसे गाइस आप लोग यहाँ पे लाइट्स वाले टूल्स पे आते हैं, आपको इसकी जो कॉन्ट्रास्ट गाइस इसके अमाउंट को यहाँ पे +13 कर लेना होगा। यानी इसकी जो देख सकते गाइस हाईलाइट्स है, हाईलाइट्स के अमाउंट को यहाँ पे -30 कर लेना होगा। एंड इसकी शेडोज के अमाउंट को गाइस यहाँ पे -15 कर लेना होगा। देन गाइस, जैसे इतना हो जाता है, आपको सिंपली इसको यहाँ से कर लेना हो डन। अभी गाइस आपको यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, अपनी फोटो को बेहतरीन बनाना होगा। उसके लिए गाइस आपको यहाँ पे इफेक्ट्स वाले टूल्स पे चले आना होगा। आने के बाद गाइस करना क्या होगा, इसकी जो देख सकते हैं टेक्सचर है, टेक्सचर के अमाउंट के यहाँ पे +10 कर लेना होगा। एंड इसकी जो देख सकते हैं गाइस क्लैरिटी है, क्लैरिटी के अमाउंट के यहाँ पे +14 कर लेना होगा। एंड इसकी डीएच के अमाउंट को गाइस यहाँ पे +9 कर लेना होगा। देन गाइस यहाँ पे आपको सिंपली विग्नेटे पे चले आना होगा। विग्नेटे के अमाउंट के यहाँ पे -42 कर लेना होगा। एंड इसकी मिड पॉइंट के अमाउंट को गाइस यहाँ पे घटा के यहाँ पे +20 कर लेना होगा। देन गाइस इसके फीडर्स के अमाउंट को आपको कर लेना होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं +96। और अगर जैसे इतना हो जाता है, आपको करना क्या होगा, सिंपली इसको यहाँ से कर लेना होगा डन। गाइस अभी आपको अपनी फोटो के यहाँ पे स्मूथ बनाना होगा। उसके लिए गाइस आपको यहाँ पे सिंपली डिटेल्स वाले टूल्स पे चले आना होगा। इसकी शार्पनिंग के अमाउंट को गाइस यहाँ पे +19 कर लेना होगा। एंड इसकी जो देख सकते हैं गाइस नॉइस रिडक्शन पे चले आना होगा, इसके अमाउंट को गाइस यहाँ पे +26 कर लेना होगा। देन इसकी कलर्स वाले रिडक्शन पे आने के बाद गाइस इसके अमाउंट को यहाँ पे बढ़ा के +10 कर लेना होगा। और अगर गाइस हमारी कंप्लीट फोटो एडिट हो चुकी है, बिफोर आप लोग यहाँ पर रिजल्ट दे सकते हैं, देन आफ्टर आप लोग यहाँ पर रिजल्ट दे सकते हैं। थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे जूम करके दिखा देते हैं। सो गाइस, अगर आपको भी वन क्लिक में फोटो एडिट करना है तो आपको करना क्या होगा, हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रीसेट का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इजिली डाउनलोड कर लेना। सो गाइस, फोटो की सेव करने के लिए करना क्या होगा, ऊपर साइड एक ऑप्शन मिल जाएगा शेयर वाला, यू कह के ऊपर पे टच करिएगा। अब गाइस आपके सामने यहाँ पे निकल के चलेगा सेव कॉपी डिवाइस। अगर गाइस आप लोग अपनी फोटो को यहाँ सेव करते हैं तो आपकी फोटो की क्वालिटी कभी भी घटेगी नहीं। सो गाइस, फोटो एडिट कैसे लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू, टाटा एंड बाय बाय।